2024 में मोदी मैजिक चलेगा कि इंडिया गठबंधन जीतेगा? अब तो मोदी मैजिक के दिन ढल रहे हैं, अब मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है इंडिया गठबंधन के। जोड़ो आंदोलन करना चाहिए था, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक वो हमारे भारत का अभिन्न अंग है, वो वहीं पे भारत जोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन इनको पीओके में जाके करना चाहिए था, बांग्लादेश के उन सटे हुए बॉर्डरों पे जाके करना चाहिए था। वो बांग्लादेश के उन सटे हुए बॉर्डर पे गए नहीं, गए वो इसीलिए जाते थे, और इन्होंने ही भारत जोड़ो आंदोलन इलेक्शन से पहले किया, और 5 राज्यों में इलेक्शन के बाद वो दक्षिणी और उत्तरी भारत को बांट रहे हैं आपस में। ये कौन सी राजनीति आती है? तुम भारत जोड़ो आंदोलन इलेक्शन से पहले कर रहे हो और इलेक्शन के बाद भारत को ही उत्तरी और दक्षिणी राज्यों में बांट रहे हो। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि बहुत बांट लिया धर्म को, भारत को, अब अपने आप इमाम को भी मत बांटो। यही सर थे, इनको गौर से पहचानिए, यही सर थे जो 15 दिन पहले बोल रहे थे राजस्थान में हार रहे हैं, MP में हार रहा है, छत्तीसगढ़ में हार रहा है, जब हारा था अब आज दिखे हैं। अरे क्यों हारे बोलो, अब ये पता क्या बोलेंगे, EVM हैंग कर लिया। अरे भैया EVM में कोई नहीं है, तुम्हारे पब्लिक पसंद कहीं नहीं करता है। अरे तुम ही बोले थे, अरे मैं वीडियो दिखा दूं तुम्हारा, आप ही बोले थे, यही बोले थे, यही सर, ये सर आते हैं कांग्रेस की तरफ से, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, पर केजरीवाल मॉडल अपनाया जीत गए। ईश्वर है 24 में कौन आएगा, मोदी मैजिक चलेगा कि इंडिया गठबंधन का मैजिक? बिल्कुल बोल दूं ना मैम, बुरा तो नहीं मानोगे? मैं क्यों बुरा मानने लगी? बोल देता हूँ, मोदी। अच्छा। समझे ना, मोदी की टक्कर में कोई भी नहीं है। अच्छा। और टक्कर देगा बिना मोदी को। हाँ। तो 28 में योगी। जी क्या इलेक्शन के बाद इन 5 राज्यों में चुनाव के बाद आप इंडिया गठबंधन का कोई भी एक सदस्य हमारे सामने लाके खड़े कर दीजिए और कह दीजिए कि हम इंडिया गठबंधन से हैं। कोई भी नहीं है पार्टी में, कौन बोल रहे हैं? ना समाजवादी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी, ना कोई भी पार्टी नहीं कह रही कि हम इंडिया गठबंधन में, सब अपने अपने हो गए हैं जी। अब इनका 2024 का भी इलेक्शन है, अब इनको अपने आप ही इंडिविजुअली लड़ना पड़ेगा और इनके पास कोई अपना चेहरा नहीं है, क्योंकि ये अपने किसी भी शीर्षक, अपने किसी भी नेता को शीर्षक नेता नहीं मानते, सब अपने। गठबंधन बनाने से सर कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं, कोई क्या फ़ायदा हुआ, आप खुद देख लीजिए, कोई फ़ायदा हुआ तो ये बता दीजिए। बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया, 2 राज्य और हार गए हैं। 2024 में मोदी मैजिक चलेगा कि इंडिया गठबंधन जीतेगा? अब तो मोदी मैजिक के दिन ढल रहे हैं, अब मोहब्बत की दुकान खुलने वाली है इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में। मोदी सरकार कह रही है कि 350 करोड़ की मोहब्बत की दुकान खोली है राहुल गांधी जी ने। मोदी जी बताएं कि सूट बूट की सरकार कब तक अपने 2 मित्रों का भला करेगी, जनता त्रस्त हो चुकी है 10 सालों में, महंगाई की मार, नौजवान बेरोजगार हो रहा है, किसान अपनी फसल का सही दाम नहीं पा पा रहे हैं, तब सरकार के जाने के दिन रह गए, कुछ चंद महीने रह गए हैं, फिर मोदी जी का सूरज ढलने वाला है, मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में खुलने वाली है। सर मोदी सरकार ये कह रही है कि भाई जनता तो हमें बड़ा प्यार करती है, देखिए 3 राज्यों में चुनाव भी जिता दिए। 3 राज्यों में जिसने जिताया उसको तो बिल्कुल साइडलाइन लगा दिया, चाहे वसुंधरा राजे जी हों, चाहे शिवराज जी हों, चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी हों, उनको तो किनारे लगा दिया। एक ऐसा सिफूका ले आए हैं कि लोग अब इसी की खोज में, पत्रकार लोग इसी की खोज में आ जाएंगे कि नया भजन लाल जी या जो यादव जी या जो भी शाहू जी बने हैं कि ये लोग कहाँ से आ गए, इनमें क्या खूबियां थी जो डायरेक्ट BJP नेतृत्व ने इनको CM बना दिया। कहते हैं सर राहुल गांधी भी कहते हैं कि हम युवाओं के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो फिर युवाओं को साइड कर देते हैं भाई। वो परसेप्शन रहता है, कभी कभी कुछ स्टेट्स में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि वो युवाओं को एकदम बागडोर नहीं दे पाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी समझते हैं युवाओं का दर्द, अखिलेश यादव जी समझते हैं, BR में तेजस्वी जी समझते हैं। क्या नाम है आप? आशुतोष तिवारी। देखिए सर कह रहे हैं मोदी जी की सत्ता इस बार जाने वाली है, घमंड टूट जाएगा, क्या लग? जाने वाली है, क्योंकि नई इंडिया गठबंधन की नई सरकार बनेगी जिसमें नौजवान, जो बेरोजगार है, महिला, दलित, पिछड़ा, जितने भी समाज के लोग हैं, इन लोगों को एक नई सोच और नई सरकार चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार जब नई बनेगी तो युवा भी रोजगार पाएगा, नौजवान भी, महिलाएं भी रोजगार पाएंगे, सुरक्षित रहेंगी, क्योंकि मोदी सरकार वाली ये जुमले वाली सरकार अब चलने वाली नहीं है। सर जुमले वाली सरकार नहीं चलने वाली है? जुमले वाली नहीं है, राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। जुमले वाली इंडिया एयरलाइंस है, राष्ट्रद्रोहियों का एक ये राष्ट्रद्रोहियों का गठबंधन है। क्यों राष्ट्रद्रोहियों का गठबंधन है? कि अखिलेश यादव के जो पिताजी थे वो इंडियन मुजाहिदीन को सपोर्ट करते थे, सिमी आतंकवादियों को सपोर्ट करते थे, और ये इंडिया एयरलाइंस वाले, और अखिलेश की बात बता रहा हूँ कि इस गरीब जनता का पैसा जो है क्या अपने सैफई गांव में उड़ाते थे, 100-100 करोड़ रुपया उड़ाते थे, और वहाँ से मुंबई से नचनियाओं को नचवाते थे, और इस गरीब जनता का इतना इन्होंने बुरा हाल कर दिया, पूरी UP को इन्होंने तबाह कर दिया,
और जहाँ तक ये एक गरीबों की बात करते हैं, अरे भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसने जो समाज के हर वर्ग को लेकर के चलती है, उनकी जो भावनाएं सर्वे भवंतु सुखने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यंतु माँ कश्चित दुख भाग भवे, भाजपा इस वाली इस जो है कैटागरी की पार्टी। और ये क्या है, केवल जातिवादी सड़ी हुई मानसिकता के लोग हैं, अपने कुनबा को ही समाजवादी पार्टी का तो ये हाल है कि लूटो और मुझे कितना पैसा दे रहे हो, सारे के सारे लुटेरे परिवार के ही हो जाते हैं, ना किसी गरीब की सुनते ना किसी जो है का किसी भी समाज की नहीं सुनते, केवल अपने परिवार की सुनते हैं। और लूट पाट के अलावा इन्होंने कोई काम अपने 5 साल में नहीं किया और उत्तर प्रदेश को इन्होंने रसातल में पहुँचा दिया। ये सौभाग्य कि बाबा योगी जैसे आगे जिन्होंने उत्तर प्रदेश को जो है का चमका के रख दिया। ये केवल सर भ्रष्टाचार का काम किया है विपक्ष ने, खड़े होने के स्टाइल से और इनकी आंखों से लग रहा है कि अपने परिवार का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा, मैं इससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, और सबकी अपनी अपनी परसेप्शन है कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं। मैं समझता हूँ जो देश में 10 सालों में लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है, लोगों का पैसा बर्बाद हुआ है देश में, जब जी सरकार जब जाएगी तब इनके भ्रष्टाचार वो होता ही है, जो सरकार जिस समय रहती है तब उसके भ्रष्टाचार के चीज़ें नहीं खुलती हैं, जब वो दूसरी गवर्नमेंट बन जाती तभी उजागर होते हैं, तो आएगी सरकार तब बदले। इनके खड़े होने के तरीके से पता लग रहा है कि इन्हें पैसा बर्बाद कर रहे हैं परिवार का। जनता की आवाज़ है मैम, देखिए हर जगह से जो भी पोल्स आ रहे हैं उसमें राहुल गांधी क्लियर दिख रहे हैं। अब वो आप अंधभक्तबाजी करेंगे, आप मोदी मोदी करेंगे, उसमें आपको मोदी दिखेंगे सिर्फ। क्या लगता है सर आपको कौन जीतेगा 2024 में? 2024 में राहुल गांधी जीतेंगे बिल्कुल। कह रहे हैं अंधभक्ति से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, फेंकने से कुछ नहीं होता, जमीन पे काम करना होता है। क्या लगता है सर जमीन पे काम करना होता है, मोदी मैजिक चलेगा कि इंडिया गठबंधन? राहुल गांधी के 5 काम गिनवा दो जो देश के लिए किए हो, अपने परिवार के लिए नहीं, देश के लिए किए राहुल गांधी। 5 काम, 5 छोड़ो 2 काम, 5 काम। अच्छा, आप मोदी के 5 काम गिनवा दो। पहले सवाल पहले पूछा है, पहले जवाब। मैंने अपना ओपिनियन दिया कि जीतेंगे वो, कोई तो बेस होगा ना सर। कोई काम पता है आपको राहुल गांधी जी? हाँ जी, राहुल गांधी जी के कोई काम पता है? देश के लिए किया। अच्छा, देश के लिए उसने कुछ नहीं किया? बताओ ना मुझे। जिस टाइम पे कांग्रेस ने अपना टाइम छोड़ा था 2013 से पहले, उस टाइम जीटीपी कितनी थी पता है आपको? राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ मैं। फिर ये लो, मैं पार्टी किसकी थी? कांग्रेस किस पार्टी की है? कांग्रेस किस पार्टी की है सर? नहीं, पार्टी किसकी है? राहुल गांधी की नहीं है। हर 6 महीने में कई करोड़ बना के बुलेट का रेट कसते हैं, कभी ट्रैक्टर चला रहे हैं, कभी ट्रक चला रहे हैं, तो अलग जी क्या यार, कमाल की बात है। वो अपना जो है अपना फ्यूचर सेट कर रहे हो, पब्लिक का दुख दर्द देखते हैं कि आदमी कैसा है, कि इनकी रोजगार कैसा चल रहा है, इनकी इनकम कितनी है, वो आम आदमी से मिलते हैं। ये इन्हीं कमरे में बैठ के यही कर दिया, वो कर दिया। सर आम जनता की सुनते हैं राहुल गांधी? उनकी उनकी खुद उनकी अम्मा नहीं सुनती है, जनता क्या सुनेंगे? वो राहुल गांधी के काम बताइए, वो काम बता नहीं पाए। कोई तो जब अगले कुछ किया ही नहीं राहुल गांधी ने, क्या काम गिनवाए आप? भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, आप बताइए पत्रकार महोदय इनकी यात्रा खत्म कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में, ठीक है ना? जब इनके बाप दादाओं का इनका जब बाप दादाओं का राज था, अम्मा का राज कह लो, बाप का कह लो, बाप के बाप का जो भी है, उस समय कभी कश्मीर नहीं गए भाई बहन लोग तिरंगा उठा के। इसका मतलब है कि मोदी मैजिक है, मोदी है तो सुरक्षित है, तभी गए ना जाके तिरंगा लेके गया। तुम्हारा खुद का राज है तो तुम्हारी एक पंजाबी बड़े तुम्हारी माँ मरी हो इसी थोड़ी नहीं जा पाए, तो बताइए, तो अगर तुमने काम किया होता तो तुम जाते चौड़े में जाते, डर डर के जाते थे, 20 गाड़ियाँ आती थी, तो ये है काम। 24 में कौन आएगा आपके साथ? मैडम कोई चेहरा है ही नहीं मोदी जी के अलावा, दूर दूर तक नहीं है, मतलब कहते हैं ना दूरबीन छोड़ो, मैं तो टेलीस्कोप लेके देखिए आप, अभी जो 28-30 चोर, मैं तो कहूँ चोर इकट्ठे हुए हैं ये, जो इन्होंने एक अपना दल तो नहीं, गलत वर्ड है, दलदल ये बनाया इन्होंने, तो ये तो किसी लायक नहीं है ये कोई। इंडिया गठबंधन जो है वो दल नहीं है, वो दलदल है ऑब्वियसली। ये हाँ बताइए, ये कह रहे हैं ना 2 राज्य 3 राज्य हार गए तो क्यों जीते हैं? वो इसलिए जीते हैं क्योंकि इन्होंने केजरीवाल मॉडल अपनाया। अच्छा। सिलेंडर 450 में देंगे, महिलाओं को पैसे देंगे, हैं किसानों का भी कर्ज माफ़ करेंगे, और उनको 2 साल में जो मिल रहा है 2000 उसके अलावा भी देंगे। तो ये केजरीवाल मॉडल है ना जो दिल्ली में है फ्री वाला, ये अपना के जीते हैं। अगर ये मॉडल तो कांग्रेस ने भी अपनाया, कांग्रेस ने कहा था 500 का सिलेंडर देंगे, उन्होंने कहा था 50 रुपए और कम कर दिए। सबको अपनाना पड़ेगा केजरीवाल मॉडल, ये वजह तो नहीं हुई चुनाव जी, यही जीतने की वजह है। वो तो कांग्रेस भी जीत सकती थी, बस जनता को 50 रुपए का लालच है। जनता को क्या केवल 50 रुपए का लालच है? 50 रुपए का क्यों? कांग्रेस ने कहा सिलेंडर दे रहे हैं ना 1100, कांग्रेस ने 500 बोला था ना, 500 में दे देंगे। वो तो उन्होंने बोल दिया ये ऐसे ही रहेगा, बीजेपी वालों ने, प्रधानमंत्री ने बोला है
कि ये जो सुविधाएं मिल रही है वो वैसी रहेगी। मान लिया केजरीवाल ने अपनाया था, तो ये बताइए केजरीवाल क्यों हार गया फिर? ये मतलब तुमने एक बच्चा पैदा किया और तुम अब उसके बाप नहीं रहे। अगर बाकी लोग तुम्हारे उसका फायदा उठा रहे तो भैया तुम कहाँ डूब गए फिर? तुम्हारी डुबकी कहाँ घुस गई तुम?